इस समय चुनाव चल रहा है, मुद्दे जोरदार हैं और वादों की बौछार है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की एक सीट जहां पर एक महिला का सांसद में पहुंचना निश्चित माना जा रहा है, तय माना जा रहा है। चार लोकसभा को देखें तो 70 महिलाओं ने अपना प्रतिनिधित्व किया, लेकिन केवल 7 ही महिलाएं ऐसी रही जो छत्तीसगढ़ से निकलकर दिल्ली तक का सफर तय कर पाई। इसी कड़ी में सांसद सरोज पांडे जी हमारे साथ में है। राज्यसभा में भी आपने अपना कार्यकाल व्यतीत किया है और उसके बाद कोरबा लोकसभा सीट जहाँ इस समय सारी नजरें जो है यहीं पर टिकी हुई हैं, कैसे देख रही हैं? कोरबा लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, भाजपा बहुत मजबूत स्थिति में है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र प्रति जी के प्रति सभी का झुकाव है और उनकी योजनाओं को लेकर जनता बेहद उत्साहित है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोरबा में बेहद मजबूत है। शाम 5 बजे से सारे प्रचार प्रसार थम जाएंगे, जो प्रचार प्रसार हुआ लोगों तक गए, आप कैंपेन किया, कितना असर लग रहा है, किसका देखने को मिलेगा? बहुत असर है निश्चित तौर पर। मैंने जब शुरुआत किया तो करीब मैं 5 लाख लोगों से मैं व्यक्तिगत तौर पर रूबरू हो पाई हूँ, विभिन्न विभिन्न कार्यक्रमों में, माध्यमों में, और जनता के बीच मैंने अपनी बात रखी है। जनता प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को सुनती है, उत्साहित है और उनकी योजनाओं के प्रति उनका जो उत्साह है वो दिखाई देता है, इसलिए मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस क्षेत्र में भाजपा को जो समर्थन मिल रहा है वो हमारे प्रधानमंत्री जी के कारण है। दीदी, आपने अपना मैनिफेस्टो भी कोरबा की जनता के लिए जारी किया है, वो मैनिफेस्टो मेरे पास भी है, सुबह मैं उसे पढ़ रही थी। लेकिन दीदी, अगर आप जीत कर आती हैं तो ऐसे 3 से कौन काम होंगे जिनमें आपका पहला प्रेफरेंस होगा कि ये काम कोरबा के लिए करना है? सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आयुष एम्स मनेंद्रगढ़ में, यहाँ पे रेल की अच्छी व्यवस्थाएं, जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी ने सबसे ज्यादा करीब 6,782 करोड़ रुपए से दिया हुआ है, योजनाएं जो चल रही हैं, और इनके साथ ही साथ प्रदूषण से मुक्ति एक बेहद अहम चीज़ है इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि यहाँ ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है और उस जगहों पर लेकिन फॉरेस्ट भी हमारे पास है, तो हम कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करें जिससे यहाँ पे प्रदूषण से मुक्ति मिले। रेल को लेकर बार बार चीजें उठती हैं, बार बार ये कहा जाता है कि जो रेल की सुविधा है वो छत्तीसगढ़ के कोरबा में सबसे कम है, लोग त्योहारों में अपने परिवार से मिलने तक नहीं जा पाते, इसके लिए कोई प्लान आपने तैयार किया है? पिछले बहुत दिनों से जो हमारे यहाँ पर हमारी सरकार ने यहाँ पर मैंने बताया कि 6,782 करोड़ से बहुत सबसे ज्यादा काम पूरे भारत देश में, अगर सबसे ज्यादा काम कहीं चल रहा है तो वो छत्तीसगढ़ में चल रहा है। इन योजनाओं को लेकर हमारी सरकार ने काम किया और उसके कारण थोड़ी, जब आपका काम चलता है तो बाकी चीजें थोड़ी मध्यम होती हैं, उसके कारण थोड़ी मध्यम गति है, लेकिन आने वाले समय में रेल व्यवस्था बहुत बेहतर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, हालांकि समय कम है, कैंपेन जो है वो लगातार चल रहा है, 5 बजे का वो समय होगा जब सारे कैंपेन जो है वो समाप्त हो जाएंगे और इसी बीच सरोज पांडे जी ने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। देखना ये होगा 11 में 11 सीटें जो है वो वादा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से जाएंगी, देखना होगा कि जब मतदान के रिजल्ट आते हैं तो छत्तीसगढ़ से कितने प्रत्याशी ऐसे होते हैं जो दिल्ली तक का सफर तय कर पाते हैं। निषद द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़, कोरबा।